Happy Valentine's, Alisa. What is this you made me? To my mom. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. When love is not madness, it is not love. Loving is not just looking at each other, it's looking at the same direction. To love from your favorite wild child. It's beautiful. Wild child. Oh. Aww. Will you be my Valentine? Yes, yes, yes. This is a poem that I found from the internet, but I edited it. Yeah. Because there was some stuff that when you leave me and go away. You changed all that? Yeah. Okay. Mom, you're a wonderful mother, so gentle yet so strong. The many ways you show care always makes me feel like I belong. You're patient when I'm foolish, you give guidance when I ask. It seems you can do mostly anything. You're the master of every task. You're a dependable source of comfort. You're my cushion when I fall. You help in times of trouble. You support me whenever I call. I love you more than you know. You have my total respect. If I had a choice of mothers, you'd be the one I select. As if I even would have a choice. Happy Valentine's Day. This is a picture of me. I love you, Sonamana. The best Valentine ever. I love you, love you, love you. सुष्मिता सेन ने अपनी छोटी बेटी अलीसा को जब अडॉप्टेड होने का सच बताया तब अलीसा सिर्फ चौथी क्लास में थी। जी हाँ, बड़ी बेटी रेने को तो एक उम्र के बाद ये सच बताया गया, लेकिन अलीसा को ये सच एक्ट्रेस को पहले ही बताना पड़ा, जिसकी वजह सोशल मीडिया थी। सुष्मिता ने अपनी छोटी बेटी को खेल खेल में ये बताया कि वो अडॉप्टेड है। सुष्मिता ने कहा कि अगर आप चाहें तो बड़ी होने के बाद अब अपने असली माता पिता को ढूंढ सकती हैं, उनसे मिलने जा सकती हैं। ये सुनते ही अलीसा की आंखों में आंसू आ गए। अलीसा ने सुष्मिता सेन को पलट कर ये जवाब दिया, माँ यू आर इनफ फॉर मी। जी हाँ, बड़ी बेटी की तरह छोटी बेटी ने भी अपने माता पिता से मिलने से इनकार कर दिया और सुष्मिता को ही अपना सब कुछ कहा। बता दें कि अलीसा अब 13 साल की हो चुकी है और सुष्मिता समय समय पर अलीसा की वीडियोस अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर शेयर करती रहती है। कभी अलीसा के पोएम रिसाइट करते हुए तो कभी डांस या गाना गाते हुए। माँ सुष्मिता की तरह ही छोटी बेटी अलीसा काफी एक्सप्रेसिव और बेहद टैलेंटेड है। ये भी बता दे कि सुष्मिता की बच्चियों को जब भी कोई अडॉप्टेड होने पर चिढ़ाता है तो दोनों बच्चियां ये कहकर जवाब देती हैं कि बायोलॉजिकल इज बोरिंग एंड वी आर नॉट बोरिंग। सुष्मिता की बेटियों के हिसाब से अडॉप्टेड सिर्फ एक शब्द है, उनके हिसाब से उनकी माँ सुष्मिता ही उनकी पूरी दुनिया है। वेल, बात तो सही है, खून से ज्यादा रिश्ते दिल से बनते हैं और ये दिल सुष्मिता का अपनी बेटियों से इस कदर मिला हुआ है कि उसमें कभी दरार नहीं आ सकती। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।